नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में। तो इसको शुरू करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं तथा विश्लेषण के दो मार्ग हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के अध्ययन से है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समस्त अर्थव्यवस्था के अध्ययन से है। जो रेग्नर फ्रिश हैं, ये एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1933 में अर्थव्यवस्था में व्यष्टि तथा समष्टि शब्दों का प्रयोग किया था। व्यक्तियों और व्यक्तियों के छोटे समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र है। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेग्नर फ्रिश जो थे, उन्होंने जो समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका प्रयोग कब किया था। तो आंसर में आ जाएगा 1933। और कई बार ऐसा भी होता है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम किया था, तो वहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा रेग्नर फ्रिश। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की मीनिंग की। व्यष्टि शब्द ग्रीक शब्द माइक्रो से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ है छोटा। जो व्यष्टि शब्द है वो ग्रीक शब्द माइक्रो से लिया गया है और माइक्रोज का अर्थ है यहाँ पर छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तियों और व्यक्तियों के छोटे समूहों का अध्ययन है। यह विशेष परिवारों, विशेष फर्मों, विशेष उद्योगों, विशेष वस्तुओं और व्यक्तिगत कीमतों का अध्ययन है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे विशेष परिवार, विशेष फर्म, विशेष उद्योग आदि। व्यष्टिगत आर्थिक इकाइयों और अर्थव्यवस्था के छोटे अंगों को सूक्ष्म चरों या सूक्ष्म मात्राएं भी कहते हैं। इस प्रकार से व्यष्टिगत अर्थशास्त्र सूक्ष्म मात्राओं व सूक्ष्म चरों के व्यवहार का अध्ययन करता है। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार इसमें विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरी, आय, व्यक्तिगत उद्योगों, उद्यमों तथा विशेष वस्तुओं का अध्ययन शामिल है। जो प्रोफेसर बोल्डिंग है, उनकी जो डेफिनेशन है उसमें उन्होंने कहा है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसमें विशेष फर्म, विशेष परिवार, व्यक्तिगत इकाइयां, व्यक्तिगत कीमत, मजदूरी, आय आदि शामिल है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है व्यक्तिगत इकाइयों से। जहाँ पर भी व्यक्तिगत इकाई है वहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र है, और जहाँ पर भी समस्त इकाई है वहाँ पर क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र। आप याद रखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब व्यक्तिगत इकाइयाँ, समष्टि अर्थशास्त्र मतलब समस्त इकाइयाँ, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोफेसर मेहता की डेफिनेशन की। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र को कोषों की अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी है, क्योंकि संबंध मुख्य रूप से वैयक्तिक इकाइयों में रहता है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका संबंध किस में रहता है, व्यक्तिगत इकाइयों में रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको किसकी संज्ञा दी गई है, कोषों की संज्ञा दी गई है। किसके अनुसार, प्रोफेसर मेहता के अनुसार। जब भी आप एग्ज़ाम दो, किसी भी चीज़ का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि मीनिंग बताना है, कैरेक्टराइजिस्टिक्स बतानी है और उसके टाइप्स बताने हैं, ठीक है, और अगर आप सिर्फ उसका मीनिंग लिख के आते हो, टाइप्स लिख के आते हो, कैरेक्टराइजिस्टिक्स लिख के आते हो, मे बी आपको फुल मार्क्स ना मिले। क्वेश्चन के आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन के मीनिंग के साथ साथ अगर उसके कुछ डेफिनेशंस आपको लर्न है तो एक डेफिनेशन मिनिमम आपको वहाँ पर लिखनी चाहिए। डेफिनेशन के आपको मार्क्स मिलेंगे, प्लस जो एग्जामिनर है उसको आपकी आंसर शीट देखने में भी अच्छा लगेगा। मेक श्योर कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखो तो एक डेफिनेशन, एटलीस्ट 2 or 3 लाइन्स की डेफिनेशन आप ज़रूर लिखो। इससे आपके क्वेश्चन की जो क्वालिटी है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो अट्रैक्टिव लगेगा, प्लस उसकी जो क्वालिटी है वो एग्जामिनर को पसंद आएगी। तो था मेरा आपको एक सजेशन। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं। दूसरे शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्ति, व्यक्तिगत परिवारों,
व्यक्तिगत फर्मों एवं व्यक्तिगत उद्योगों के एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध का अध्ययन करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, जहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र है वहाँ पर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है। अब व्यक्तिगत इकाइयाँ कैसी हैं? एक फर्म, एक उद्योग, एक इकाई, एक परिवार, इन सभी का परस्पर जो भी संबंध है उसका जब भी हम अध्ययन करेंगे तो वो किस अर्थशास्त्र में करेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। अभी हमने जाना व्यष्टि अर्थशास्त्र का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन। हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं की, कैरेक्टराइजिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। नंबर वन, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। नंबर टू, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अभाव, लैक ऑफ इम्पैक्ट ऑन द एंटायर इकोनॉमी। नंबर थ्री, कीमत का सिद्धांत, प्राइस थ्योरी। नंबर फोर, छोटे छोटे चरों का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स। नंबर फाइव, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थिर मान लेना, अज्यूमिंग द होल इकोनॉमी टू बी स्टेबल। इनको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर वन की, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्तिगत उपभोग की व्याख्या में सहायता करता है। इसका संबंध समूहों या व्यापारिक स्थितियों से नहीं है। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, ये तो आप लोगों को पता ही है, मीनिंग आप समझते आ रहे हो अभी। तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना, ये इसकी क्या होगी? एक विशेषता होगी, क्योंकि शास्त्र में किसका अध्ययन होता है? व्यक्तिगत इकाइयों का, व्यक्तिगत उत्पादन का, व्यक्तिगत आय का, व्यक्तिगत उपभोग का, इन सभी का अध्ययन किस में होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। नंबर टू, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अभाव, लैक ऑफ इम्पैक्ट ऑन द एंटायर इकोनॉमी। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाई का रूप इतना छोटा होता है कि इसके द्वारा किए गए परिवर्तन का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार आप हेडिंग समझने की कोशिश करना, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, जो इसका प्रभाव होना चाहिए उसका क्या होता है? अभाव होता है। तो इसमें भी यही कहा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो रूप है वो इतना छोटा होता है कि इसके द्वारा किए गए परिवर्तनों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो खुद एक व्यष्टि अर्थशास्त्र है, वो खुद एक माइक्रो इकोनॉमी है, तो उसका समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है? प्रभाव पड़ना तो असंभव, इम्पॉसिबल है। नंबर थ्री, कीमत का सिद्धांत, प्राइस थ्योरी। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत या मूल्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मांग एवं पूर्ति द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत या मूल्य का सिद्धांत कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मूल्य का सिद्धांत और कीमत का सिद्धांत, तो वहाँ पर आंसर में आएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत मांग एवं पूर्ति द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। इस संदर्भ में हम मांग एवं पूर्ति की घटनाओं का अध्ययन भी करते हैं। हम मांग और पूर्ति की घटना का अध्ययन किस में करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। नंबर फोर, छोटे छोटे चरों का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। इन चरों का प्रभाव इतना कम होता है कि इनके परिवर्तनों का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ ही नहीं सकता। जैसे अभी हमने पॉइंट टू में समझा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र इतना छोटा अर्थशास्त्र है कि उसका समष्टि अर्थशास्त्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर फाइव, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थिर मान लेना, अज्यूमिंग द होल इकोनॉमी टू बी स्टेबल। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक इकाई के आर्थिक व्यवहार की जाँच और विश्लेषण करते समय देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित बातों जैसे राष्ट्रीय आय, कीमतों का स्तर, देश का कुल पूंजी विनियोग, कुल बचत तथा सरकार की आर्थिक नीति आदि को स्थिर मान लिया जाता है। ये इसको स्थिर किस में मान लिया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। फिर से समझने की कोशिश करना, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थिर मान लिया जाता है किस में? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थिर मान लिया जाता है। आर्थिक व्यवहार की जांच और विश्लेषण करते समय देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित बातों जैसे राष्ट्रीय आय, कीमत का स्तर, देश का कुल पूंजी विनियोग, इन सभी को क्या मान लिया जाता है? स्थिर मान लिया जाता है। एक बार फिर हम शुरू से आखिर तक के जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको फिर दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करते हैं।
व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? रेग्नर फ्रिश ने। कब किया था? 1933 में। फिर व्यष्टि जो शब्द है वो ग्रीक शब्द से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है छोटा। फिर नेक्स्ट, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो मीनिंग है वो ये है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग आदि। फिर नेक्स्ट हमने बात करी थी व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं की। विशेषताएं थी हमारी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना। समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन होता है? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अभाव। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो इतना छोटा अर्थशास्त्र है कि उसका समष्टि अर्थशास्त्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, इसलिए जो उसका प्रभाव है उसका क्या रहता है? अभाव रहता है। किस पर? संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर। कीमत का सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है, कीमत और मूल्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसको? व्यष्टि अर्थशास्त्र को। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स। और फाइव और लास्ट पॉइंट, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को इसमें स्थिर मान लिया जाता है। किस कंडीशन में? राष्ट्रीय आय में, कीमतों के स्तर में, देश का कुल पूंजी विनियोग में और कुल बचत में। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।